Shut up and sit down. Hello students, welcome to day 85 of English sentence structure videos. In this video, we will be learning how to make sentences using it's no use plus verb ing. It's no use, इसका कोई उपयोग नहीं है, ठीक है? अब देखिए, बहुत सारा ऐसा चीज होता है जिसका कोई उपयोग नहीं होता है, कोई इस्तेमाल नहीं होता है, तब आप इस्तेमाल करेंगे it's no use. It apostrophe s is a contraction of it is. It is का short form है it's. By stating it's no use, you are saying that what you or someone else is doing is not recommended or uncalled for. जब आप it's no use कह रहे हैं, तो आप बता रहे हैं आप या कोई दूसरा व्यक्ति जो कर रहा है, वो करने का कोई जरूरत नहीं है, उसका कोई उपयोग नहीं है, कोई फायदा नहीं है. Here are some example. आइए आप कुछ उदाहरण देखते हैं. It's no use crying. रोने का कोई उपयोग नहीं है, कोई फायदा नहीं है. It's no use going back to yesterday. कल इसका उपयोग करने का कोई फायदा नहीं है, या कल वापस जाने का कोई फायदा नहीं है, कल के बारे में सोचने का कोई फायदा नहीं है. It's no use separating them. उन्हें अलग करने का कोई उपयोग नहीं है, या उन्हें अलग करने का, या उन्हें अलग करने का कोई उपयोग नहीं है, उन्हें अलग करने का कोई फायदा नहीं है. It's no use doing something. यह कुछ करने का कोई उपयोग नहीं है, या कुछ करने का कोई फायदा नहीं है. It's no use talking to her. उससे बात करने का कोई फायदा नहीं है. It's no use locking the door. दरवाजा बंद करने का कोई उपयोग नहीं है, पर दरवाजा बंद करने का कोई फायदा नहीं है. It's no use whining about it. इसका कोई उपयोग नहीं है. It's no use crying over it. इस पर रोना कोई उपयोग नहीं है, या मतलब रोने का कोई फायदा नहीं है, इस पर रोने का कोई फायदा नहीं है. इट्स नो यूज अपोलोजाइजिंग, माफी मांगने का कोई फायदा नहीं है. इट्स नो यूज आस्किंग हिम अबाउट इट, इसके बारे में पूछने का कोई उपयोग नहीं है, या इसका कोई उपयोग नहीं है इसके बारे में पूछने का. इट्स नो यूज अटेम्प्टिंग टू प्लीज हिम, उसे खुश करने का कोई उपयोग नहीं है. यहां प्लीज हिम करना मतलब खुश करना. इट्स नो यूज स्लीपिंग, सोने का कोई फायदा नहीं है, कोई उपयोग नहीं है. इट्स नो यूज आर्गुइंग अबाउट इट, इसके बारे में बहस करने का कोई फायदा नहीं है. इट्स नो यूज स्टॉपिंग अस नाउ, अब हमें कोई रोक नहीं सकता, या अब हमें रोकने का कोई फायदा नहीं है. इट्स नो यूज बिहेविंग दैट वे, इस तरह से व्यवहार करने का कोई फायदा नहीं है. इट्स नो यूज स्टडिंग, पढ़ने का या अध्ययन करने का कोई उपयोग नहीं है, पढ़ने का या अध्ययन करने का कोई फायदा नहीं है. इट्स नो यूज क्लीनिंग अप, सफाई का कोई उपयोग नहीं है, या सफाई का कोई फायदा नहीं है. इट्स नो यूज डांसिंग हेयर, यहाँ नृत्य करने का कोई उपयोग नहीं है, या यहाँ नाचने का कोई फायदा नहीं है. इट्स नो यूज चेकिंग ऑन इट येट, इसका अभी तक कोई उपयोग नहीं है. इट्स नो यूज फाइटिंग विथ मी, मेरे साथ लड़ने का कोई फायदा नहीं है. तो देखिए, बहुत सारा चीज है, बहुत सारे जगह है, जैसे होम, हाउस, स्कूल, कॉलेज, ट्यूशन सेंटर, मार्केट, शॉपिंग, ऑफिस, मूवी हॉल, मॉल, हॉस्पिटल, डॉक्टर, मेडिसिन शॉप, प्लेग्राउंड, एक्सरसाइज, ट्रैवलिंग. तो सोचिए हर एक एक जगह पर आप क्या क्या चीज है जो करते हैं, और फिर सोचिए कि क्या क्या चीज है जिसको करके कोई फायदा नहीं है, और उसमें डालिए इट्स नो यूज. अगर मैं स्कूल की बात करूं, सो इट्स नो यूज गोइंग टू स्कूल इफ यू आर नॉट स्टडिंग, अगर आप पढ़ नहीं रही हैं तो स्कूल जाके कोई फायदा नहीं है. अगर मैं हॉस्पिटल का बात करूं, इट्स नो यूज गोइंग टू हॉस्पिटल, अस्पताल जाने का कोई फायदा नहीं है. तो बहुत सारी चीजें हैं, वर्ब हैं, जो काम आप करते हैं, लाइक इट्स नो यूज टॉकिंग टू मी, मेरे से बात करके कोई फायदा नहीं है. तो इस तरह से जो भी सेंटेंस आपको समझ में आ रहा है, वो सेंटेंसेस आप बनाइए और नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए. आपके सारे सेंटेंसेस को मैं पर्सनली चेक करूंगा, और जो सेंटेंसेस गलत होंगे उनको सही कर दूंगा. साथ ही साथ ये डे 85 यहां खत्म होता है. टोटल 89 डेज का वीडियोस है, बैक टू बैक डे 1 से डे 89 तक सारा वीडियोस देखिए और पढ़िए, ताकि आप अंग्रेजी अच्छे से बोलना और लिखना सीख सकें. हमारे चैनल को ग्रो करने में हमारा साथ दीजिए, और हमारे वीडियोस को जितना ज्यादा हो सके उतना शेयर कीजिए. साथ ही साथ हमारे चैनल से जो आप पढ़ रहे हैं, अगर आपको हमारा वीडियोस अच्छा लगता है, तो हमारे चैनल को कुछ डोनेशन दीजिए, जिसके लिए आप पेटीएम का इस्तेमाल कर सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन में पेपल का भी लिंक दिया हुआ है. तो हमारा साथ दीजिए, ताकि हम आपके लिए और भी अच्छे अच्छे वीडियोस बना सकें. धन्यवाद.